हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये साबूदाना का बड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी लगता है और खाने में आप स्नैक्स के तौर पर आप इसे खा सकते हो और ये व्रत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इस प्रकार बना के खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं ले ली हूँ साबूदाना, जिसे मैं 3 to 4 आवर इसे सोक करने के लिए रखती थी और ये अच्छे से 4 आवर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये देखिए मैश हो रहा है, बहुत अच्छे से ये हमारा भीग गया है साबूदाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम अच्छे से धो लेते हैं 3 to 4 टाइम। तो इसे हम धो के फिर हम इसे इस तरह छन्नी में रख लेंगे ताकि और जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से इसे इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे एक बड़ा सा बाउल और इसमें हम ले लेंगे जो सोक के करके रखे थे साबूदाना को, उसको हम ले लेंगे। फिर हम इसमें ये देखिए ले लेंगे आलू। तो यहाँ पर मैं 1.5 आलू ली हूँ, जिसे अच्छे से इस तरह मैश कर ली हूँ। और फिर हम लेंगे इसमें सूखे मसाले, इसमें डालेंगे। सूखे मसाले में हमारा जाएगा करिंडर पाउडर और ये कुमिनी पाउडर, जीरा पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, जिसे हम इस तरह देखिए छील के इस तरह डालेंगे तो ये फ्लेवर इसका अच्छा सा आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे करेंडर पाउडर, इस तरह करेंडर पत्ता, दो धनिया पत्ता इसे हम डाल लेंगे। फिर हम इसे इस तरह अदरक को इस तरह क्रश करके लिए हैं, जिसे डाल लेंगे। और फिर हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो इन सबको अब अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे मिसा मिला ली हूँ अच्छे से। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिसे तीखा नहीं लगता है तो थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैं डाली हूँ। आप थोड़ा डाल लीजिएगा। तो ये देखिए, इसे डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें को। और ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं मैश कर ली हूँ, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम ये चम्मच से इस प्रकार ले लेंगे, एक छोटा सा बॉल जैसा ले लेंगे, नींबू के साइज़ का जैसा। फिर हम इसे इस तरह हाथों में लेके इस प्रकार चिपटा कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हाथों को थोड़ा सा इस प्रकार करके फिर इसे इस तरह चिपटा कर लीजिएगा। तो ये देखिए, शेप अच्छा सा आ जाएगा। इसी प्रकार हम सारे को ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह हाथों में गोला करके फिर इसे चिपटा करके ऐसे ही हम सारे को मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैं तेल भी गर्म होने के लिए रख ली थी, तो तेल अच्छे से मेरा गर्म हो गया है और यहाँ पर सारे बड़ा भी रेडी है। तो चलिए इसे हम अब तल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तेल गर्म है तो इसे हाई फ्लेम में मत पकाइएगा, ये हाई टू मीडियम फ्लेम में पकाइएगा ताकि वो अच्छे से हो पाए। अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये ऊपर से हो जाएगा, ज़्यादा जल जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं होगा, तो इसीलिए आप इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा तो अच्छे से ये बन के रेडी होगा। और इसे हम जब तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो एक तरफ ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया था मेरा, तो इसे मैं पलट रही हूँ और इसे इसी प्रकार हम सारे बना लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आवाज़ आ रहा है, क्रिस्पीपन आपको इसी में से ही पता चल रहा होगा। बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है। तो थोड़ा सा हेल्दी प्रोसेस भी चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर तवा में थोड़ा सा मैं 2-3 टेबल स्पून तेल देती थी और यहाँ पर फिर इसमें दे देते हैं ये बड़ा 3-4 को। और ये देखिए, इस प्रकार बड़ा थोड़ा हो जाने के बाद, गोल्डन ब्राउन जैसा दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाने के बाद, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार साबूदाना बड़ा को बनाकर खा सकते हो किसी भी व्रत में। सिर्फ नवरात्रि है ये भी नहीं है कि आप किसी भी व्रत में आप इस प्रकार साबूदाना बड़ा को बनाकर खा सकते हो, क्योंकि और कोई बड़ा जैसे दाल का बड़ा और चना दाल का बड़ा और ये जो मेदू बड़ा, ये आप तो हर व्रत में नहीं खा सकते हो, लेकिन साबूदाना बड़ा को आप हर व्रत में खा सकते हो। तो आप इसी प्रकार बना के खाइएगा, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। और फ्रेंड्स, आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस या फिर दही के साथ, जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।